बात बताइए, स्विट्जरलैंड से पैदल आ गए भारत? हाँ जी। कैसे? अठारह मुल्क यूरोप से, बाद में तुर्की, ईरान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। कितने साल हो गए पैदल चलते हुए? लेकिन एक साल इंडिया में और चार साल इंडिया तक। चार साल चल चुके हैं? हाँ, चार साल इंडियन बॉर्डर तक और इंडिया में एक साल, कुल मिलाकर पाँच साल चल चुके हैं। अभी और कितना चलेंगे? बहुत साल। अभी कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि इतना चलना है? नहीं, टारगेट इंडिया था और अभी इंडिया में हो, और अभी कौन सा टारगेट, अभी सच टारगेट अंदर है, अभी ध्यान करना है और चलना, पैदल में जाना ये मेरा ध्यान है। पैदल चलते हैं, मैं तो देख करके और सुन करके हैरान हूँ, स्विट्जरलैंड से इंडिया तक पैदल आ गए, अलग अलग देशों से होते हुए, बिना वीजा के आए कि वीजा के साथ आए? जी, सबसे जरूरत, सबसे दिक्कत ये वीजा के मुश्किल से, वीजा के सवाल है, और सब मुल्क अलग है, लेकिन एक मुल्क में अगली मुल्क के वीजा बनाता हूँ, और कभी कभी काफ़ी मुश्किल है, कभी कभी कोई वीजा नहीं चाहिए। इंडिया में वीजा आया था और अभी जब कोरोना है, नया वीजा वे हमेशा देते हैं। ये बताइए कि 5 साल से लगातार पैदल चल रहे, अब तक गाड़ी में बैठे ही नहीं? जी, कैरी के बिना 5 साल पैदल में। हिमाचल से कब चले थे हरिद्वार आने के लिए? 25 दिन चाहिए, 25 days। 25 दिन से पैदल चल रहे हैं? हाँ, 500 किलोमीटर। थके नहीं 25 दिन से? नहीं, क्योंकि आराम से दिन से 20-30-35 किलोमीटर, और आराम से जाना, जब तक गए मैं सोता हूँ, जब तक नहीं गए मैं जा रहा हूँ, और कुल मिलाकर। से रात को कैसे रुकते हैं? जी, हर रात अलग है, कभी कभी जंगल में सोता हूँ, कभी कभी आश्रम में, कभी मंदिर में, कभी गुरुद्वारा में, कोई टेंपल, कोई घर लोग आमंत्रित करते हैं, किसी भी जगह सो सकता हूँ, कोई स्कूल में, एक स्कूल आमंत्रित किया। और कल हरिद्वार कहाँ रुके? कल गंगा के ऊपर आसमान के नीचे सोया था। गंगा के ऊपर और आसमान के नीचे। मैं भारत के लोगों को आप संदेश देना चाहें? हाँ, ठीक है। मेरा मैसेज है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड, यूरोप, अमेरिका, हम नहीं, इस तरह नहीं जाना चाहिए। हम जा सकते हैं और पैसा और गाड़ी और सब बराते हैं, बराना, लेकिन सच में सबसे ज़रूर शास्त्र इंडिया में है, और हम इधर विदेशी के शास्त्र नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे इंडिया में सबसे ज़रूर शास्त्र है, ये योग करना, ध्यान करना, और ये सबसे मूल्यवान शास्त्र आपके पास है, अंदर है, और विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में कुछ नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इधर है। सब कुछ है इधर? हाँ, सब कुछ इधर है। देखो कितने खुश नज़र आ रहे हैं, और चेहरा देखिए इनका, कि 25 दिन से हिमाचल से चले हैं हरिद्वार आने के लिए, लेकिन चेहरे पर हल्की सी भी मायूसी और रंग उड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, हल्की सी भी थकान नहीं है। ये योग और ध्यान की ताकत है, जिसको विदेशी तो समझ रहे हैं लेकिन भारत मूल के लोग नहीं समझ रहे। अंतिम मेरा सवाल, हिंदी कहाँ से सीखी? हिंदी 4 साल सीख रहा हूँ, क्योंकि 1 साल इंडिया में और 3 साल पहले एक किताब शुरू किया, ऑडियो कैरिकरम से खुद सीख रहा हूँ, सब लोग मदद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे शान्तु निरामया, जय गंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। आदमी हैं और बहुत मज़ेदार साथी साथ ये इंटरव्यू करना, मैं बहुत खुश हूँ, और जी आशा करता हूँ हम और मिलेंगे। सबसे ज़रूर मैं आशा करता हूँ आप मंगल हो। ओम।